कस्बे में रामू रहता था। वो मोची का काम किया करता था। उसकी बीवी रूपमती भी उसके काम में हाथ बटाती थी। रामू की कोई औलाद ना होने की वजह से रामू और रूपमती हमेशा दुखी रहते थे। दिन भर में रामू जितना कमाता उसमें ठीक से उसके घर का राशन भी नहीं आ पाता था। रामू, ये लो जूते सिल दो और तरीके से सीना, पिछली दफा की तरह कमजोर मत सीना। क्या बताऊं जनाब, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, ठीक से कुछ नजर नहीं आता। और कमजोरी है जिसकी वजह से जूते चप्पल में टांके नहीं लग पाते। तुम जाओ आराम करो, मैं इसे कहीं और सिलवा लेता हूँ। ये लो कुछ पैसे, ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं जनाब, मैं गरीब जरूर हूँ मगर बेबस नहीं। दिन भर मोची की दुकान पर बैठकर रामू ने कुछ ही पैसे कमाए थे और उससे वो उस दिन का राशन लेकर चला गया। अरे ये क्या, केवल आटा और दाल, इसमें ना तो तेल है ना ही चावल। काश हमारी भी कोई औलाद होती, हमारे पास इतनी सारी जमीन है, वो उसमें सब्जी उगाता और हम भी तरह तरह की सब्जियां खाते। जो चीज तकलीफ देती है उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अगले दिन सुबह जब रामू अपने मोची की दुकान खोलने गया तो वहाँ उसे एक गाड़ी ने ठोकर मार दी। रामू की हालत खराब होने की वजह से उसे कस्बे की क्लिनिक में भर्ती कराया गया। रूपमती रामू को लेकर घर चली जाती है और घर के खर्चे और राशन का सोच कर वो बेहद बुरा महसूस करती है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पैसे थे वो तो मेरे इलाज में खर्च हो गए, तुम्हें मोची का काम भी नहीं आता, वरना तुम ही कुछ मदद कर देती। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं उसका कोई न कोई जुगाड़ जरूर कर लूँगी, आप बस आराम कीजिए। रूपमती किचन में जाकर बचे हुए आटे से रोटी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसी आटे से छोटा सा पुतला बनाकर उसे देखने लगती है। काश मेरा भी एक प्यारा सा बच्चा होता जो हमारी देखभाल करता और खेतों में नई नई सब्जियां उगाकर हमें बनाकर खिलाता। रूपमती उस पुतले को देखकर रोने लगती है। उसके आंसू जैसे ही उस पुतले पर गिरते हैं उसमें जान आ जाती है। अम्मी तुम रो मत, मैं हूँ ना। पुतले की आवाज सुनकर रूपमती हैरान रह जाती है और उसे देखकर कहती है, तुम कैसे बोल सकते हो, ये कैसे हो सकता है, मुझे तुमने ही बनाया है, मेरा बस साइज छोटा है, बाकी तो मैं सारा काम कर सकता हूँ। आटे का पुतला बाजार सब्जी लेने चले जाता है। पुतला जब बाजार जाता है तो छोटे से पुतले के पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो भागो भागो, ये तो मेरे जान के पीछे ही पड़ गई है। बिल्ली से बचने के लिए पुतला एक बड़े से आटे की बोरी में घुस जाता है और वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते आटे की बड़ी सी बोरी फटने लगती है और अचानक वो पुतला और बड़ा हो जाता है, जैसे कि वो कोई इंसान हो। पुतला दाल चावल पापड़ और कुछ दवाइयाँ लेकर घर आ जाता है। अम्मा देखो मैं आ गया और मैंने दाल चावल और कुछ पापड़ भी लिए हैं, इसके तुम खिचड़ी बनाकर हमें खिलाना। अरे तुम इतने बड़े कैसे हो गए, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, मेरा राजा बेटा। आटे का पुतला उनका बेटा बनकर उनकी खूब सेवा करता। तीनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। देखते ही देखते पुतला खेती बाड़ी करने लगा। रामू की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। माँ पिताजी देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ, माँ ये साड़ी और पिताजी आपके लिए नई कमीज। आज तक मुझे कभी किसी ने कुछ दिया नहीं था, मगर भगवान ने अच्छा किया कि तुम हमारे पास आ गए। मैं तो पहले से ही बहुत खुश हूँ, हमारा ख्याल रखने वाला कोई है, बस तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम सबको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सब खुशी खुशी रह रहे थे, हर एक चीज अच्छी हो गई थी।
आटे का पुतला जिसका दोनों ने मिलकर संदीप नाम रख दिया था। एक दिन कस्बे में आग लगने के कारण सब बेहाल हो गए, लोग परेशानी से भागने लगे। रामू और रूपमती ने भी अपनी जान जैसे तैसे बचाई, लेकिन संदीप यानी पुतला बेहोश हो गया था। उसका रंग मानो काला हो गया था। अरे ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, हे मालिक कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। ना मालूम भगवान हमसे क्या चाहते हैं, इतनी फजीहत, एक बेटा मिला था आपने उसे भी हमसे छीन लिया। रूपमती और रामू फूट फूट कर रोने लगते हैं। रूपमती के आंसू जैसे ही संदीप यानी पुतले पर पड़ते हैं मानो उसमें जान आ जाती है। माँ रो मत, देखो मैं अब आटे का नहीं रहा, मैं अब एक असली इंसान हूँ जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। क्या सच? मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर हमारा बेटा हमें वापस कर दिया। आटे का पुतला संदीप और उसके अम्मी अब्बू सब सुखी सुखी खुशहाल जिंदगी जीने लगे।